तो आइए आज हम सैलरी के अंतर्गत में वेतन के बाद जो वेतन के अलावा जो अलाउंस दिया जाता है, तो अलाउंस के बारे में हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि अलाउंस जो होते हैं यानी भत्ता, वो तीन तरह के होते हैं। तो उसमें हम बताए थे एक ऐसे तो मुख्य दो तरह के होते हैं, एग्जेम्प्टेड होते हैं और एक होते हैं टैक्स फ्री। एग्जेम्प्टेड होते हैं तो एग्जेम्प्ट में दो तरह के होते हैं, एक फुली एग्जेम्प्टेड होते हैं एक पार्शली एग्जेम्प्टेड। तो हम अभी बताएंगे जो उस समय पिछले दिन हम आप लोगों को बता दिए थे कि फुली एग्जेम्प्टेड जो होते हैं अलाउंस, फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस कौन कौन होते हैं। उसमें हम बताए थे कि कौन कौन थे, फॉरेन अलाउंस होता है। उसके बाद दूसरा बताया थे कि अलाउंस फॉर अलाउंस टू हाई कोर्ट जज होते हैं उसका, और एक और आप बताए थे आप लोगों को वो क्या था, अलाउंस हम बताए हैं कि अलाउंस रिसीव फ्रॉम ईवीएनओ। ये तीन हम बताए थे कि अलाउंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं फुली एग्जेम्प्टेड होते हैं। तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको पार्शली यानी पार्शली एग्जेम्प्टेड जो होते हैं अलाउंस वो कौन कौन है। तो लिख देते हैं हम आपको पार्शली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। आज हम पार्शली एग्जेम्प्टेड अलाउंस के बारे में बुझाने। तो पार्शली एग्जेम्प्टेड अलाउंस के बारे में उस दिन हम बताए थे कौन कौन पार्शली एग्जेम्प्टेड अलाउंस होते हैं, हमने पिछले दिन बता दिया था। आज हम वो जितने भी पार्शली एग्जेम्प्टेड होते हैं यानी अंशतः होते हैं, सब नहीं, उसमें से कुछ होते हैं एग्जेम्प्टेड और कुछ नहीं होते हैं, उसको हम पिछले दिन बता दिए थे। आज हम बता रहे हैं उसका थोड़ा सा हम विशेष रूप से हासिल करते हैं। पहला हम जो बताए थे आपको उसमें एग्जेम्प्टेड में क्या बताए थे आप लोगों को, हाउस रेंट अलाउंस। पहला हम बताए थे हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस रेंट अलाउंस के बारे में आप लोगों को हम बताए थे पहला दिन। तो हाउस रेंट अलाउंस में कैसे हम उसका एग्जेम्प्ट हो सकते हैं, क्या क्या एग्जेम्प्ट होते हैं, आज यहाँ हाउस रेंट के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ एग्जेम्प्टेड कौन होंगे, एग्जेम्प्ट क्या होगा, इसके बारे में आपको जानना है। तो एग्जेम्प्ट के बारे में सबसे पहले ये समझे कि मकान जो है, कोई भी एम्प्लॉय जो मकान दिया जाता है वो मकान कैसा है, वो मकान स्वतः उसका अपना है या किराए पर लिया हुआ है। तो यदि अपना है तब वो तो टैक्सेबल होंगे, यदि अपना है और मकान आपका मैंने मिलता है अलाउंस तब वो अलाउंस आपको टैक्सेबल होंगे, और जो किराए पर लिया गया है, किराए पर मकान जो है उस मकान में कुछ भाग तो टैक्सेबल होंगे, कुछ भाग टैक्सेबल नहीं होंगे, उसको माने क्या हो एग्जेम्प्ट है और उसको छूट है। तो क्या एग्जेम्प्ट है, हम एग्जेम्प्टेड के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या एग्जेम्प्ट है इसको जानेंगे, टैक्सेबल क्या है हम आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे वो पेस्टिविटीज के अंतर्गत आ जाएंगे। अब यहाँ हम एग्जेम्प्टेड है तो उसको देखेंगे, हाउस रेंट में एग्जेम्प्टेड क्या है। सबसे पहले तो बताया जो मकान है तो वो तो टैक्सेबल होगा, वो तो टैक्स के अंतर्गत उस पर टैक्स लगेगी, लेकिन जो एग्जेम्प्टेड है उस पर कैसे टैक्स माने उसका टैक्स के कितना एग्जेम्प्ट होगा इसको हम समझेंगे। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि वास्तव में कितना रिसीव्ड हुआ है, पहला तीन बातें देखेंगे कि एक्चुअली रिसीव्ड, एक्चुअली रिसीव्ड
रेंट एक्चुअली रिसीव्ड हाउस रेंट माने हाउस रेंट कितना एक्चुअली में प्राप्त किए हैं, वास्तव में कितना प्राप्त हुआ है एक्चुअली, उसको हम देखेंगे एक्चुअली हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस कितना प्राप्त हुआ है उसको देखेंगे। दूसरा देखेंगे कि वो जो जहां रेंट हाउस रेंट अलाउंस माने हम यहाँ एग्जेम्प्टेड के बारे में देख रहे हैं, तो वो देखेंगे कि वो जो जहां हम जो रेंट पर दिया जा रहा है तो रेंट कितना पेड हुआ है, और रेंट कितना पेड हुआ है उसमें से माइनस करते थे, यानी रेंट पेड माइनस माइनस कितना करते हैं सैलरी का 10%, सैलरी का 10% यानी 10% ऑफ सैलरी। यहां ध्यान देने की चीज है 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का 10% निकालेंगे और जितना रेंट पेड किया गया है उसमें से रेंट पेड किया गया है उसमें से 10% ऑफ सैलरी को सैलरी पर 10% निकाल करके घटा देते हैं, उसको रेंट निकालते हैं। पहले एक्चुअल रेंट कितना रिसीव हुआ वो मालूम करते हैं, फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी जो होते हैं उसको निकालते हैं, यानी सैलरी सैलरी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसको भी समझने थोड़ा सा जरूरी है। कैलकुलेशन करेंगे ऐसा नहीं कि अलाउंस उसमें जो डीआरएनएस वगैरह नहीं जुड़े कि वो सैलरी की जुड़ेंगे, नहीं डीआरएनएस भी उसमें डीआरएनएस अलाउंस से सैलरी है वो सब जोड़ करके जो आता है उस पर 10% जोड़ करेंगे, ऐसा नहीं कि केवल सैलरी पर चढ़ रहे हैं, तब उसको हम रेंट पेड किए हैं उसमें से घटा लेते हैं और घटाने के बाद जो आएगा उसको देखते हैं, उस अमाउंट को देखते हैं। फिर तीसरा जो हम देखते हैं कि वो जो मकान है वो मकान कहाँ है, वो मकान कहाँ है, दिल्ली में है, मुंबई में है, कलकत्ता में है या चेन्नई में है, ये चार जगह पर यदि मकान है, ये चार जगह पर मकान है तो उस मकान में सैलरी का 50%, सैलरी का 50% उसे हम कहते हैं मेट्रो सिटी। तो मेट्रो सिटी में यदि वह मकान है, मेट्रो सिटी अब बताए कहाँ कहाँ होता है, दिल्ली मुंबई कलकत्ता चेन्नई, ये मेट्रो सिटी है, तो मेट्रो सिटी में है, तो मेट्रो सिटी में है तो वहां कितना होगा, मेट्रो सिटी में 50% मेट्रो सिटी में होगा 50% ऑफ सैलरी, ये पहला हुआ। और यदि नॉन मेट्रो सिटी में है यानी वो चार जगह महानगर जो है चार उसके अलावे जो जगह है और नॉन मेट्रो सिटी है तो वहां होगा नॉन मेट्रो सिटी, सिटी के लिए नॉन मेट्रो सिटी तो वहां कितना होगा 40% ऑफ सैलरी। ये दोनों में से हम कैलकुलेशन करते हैं कि कौन हो, कोई एक ही होगा, दोनों में से जो होगा उसका कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि तीनों का हम मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन करने के बाद में देखते हैं कि तीनों में से जो कम होता है उतना ही एक्सेम्प्ट होते हैं, उतना ही छूट होती है, उतना ही हाउस रेंट में, हाउस रेंट जो होता है अलाउंस में आपको एक्सेम्प्ट किया जाता है। इतना तो समझ गए हाउस रेंट में, आप अलाउंस में बस इतना ही जानना है। अब आगे आइए हाउस रेंट अलाउंस के बाद आपको है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, पहला हम बताए थे, दूसरा हम बताए थे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी थोड़ा सा समझे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में यानी जो इंप्लाई है उसको आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी दी जाती है इंप्लाई के द्वारा, तो उस पर भी जो अलाउंस मिलता है वो भी क्या होते हैं एग्जेम्प्ट, उसमें से भी छूट होते हैं। कितना एग्जेम्प्ट होते हैं तो उसमें दो बातें देखनी है कि वो जो कर्मचारी है कि कैसा है, जनरल है, यदि जनरल है कि वह हैंडीकैप्टेड है, जनरल है या हैंडीकैप्टेड है, यदि वह जनरल है, जनरल है या हैंडीकैप्टेड है,
जनरल है तो क्या होगा, आपको उसमें जो एग्जेम्प्ट होंगे तब 1600 रुपया, कितना 1600 रुपया यानी प्रति माह पर मंथ, पर मंथ 1600 रुपया एग्जेम्प्ट। आज यदि हैंडीकैप्टेड है तो उस पर होते हैं 3200 रुपया पर मंथ, 200 रुपया पर मंथ एग्जेम्प्ट होंगे। इसको हुआ ट्रांसपोर्ट में, समझ गए होंगे, ट्रांसपोर्ट भी समझ गए, हाउस रेंट अलाउंस भी समझ गए। अब तीसरा जो एग्जेम्प्ट होते हैं, तीसरा जो हम बताए थे कि मैंने पार्शियली एग्जेम्प्टेड अलाउंस क्या होंगे, वो होंगे अंडरग्राउंड अलाउंस, अलाउंस अंडरग्राउंड अलाउंस। अंडरग्राउंड अलाउंस में हमने बताया था कि यदि वह व्यक्ति या वह इंप्लाई जमीन के अंदर में कोई काम करता है तब उसको अलाउंस दी जाती है, उसको भत्ता दी जाती है। कितना दिया जाता है, 800 रुपया पर मंथ, 800 पर मंथ के हिसाब से उसको अलाउंस दिया जाता है। किसको, जो जमीन के अंदर काम करते हैं, खान में है या और भी कोई खान है या कहीं काम करते हैं, तो उसको हम अलाउंस को मतलब उस इंप्लाई को अलाउंस कितना दिया जाता है, 800 पर मंथ, समझ गए। अब आइए आगे, चौथा हमने बताया था आपको एजुकेशन अलाउंस, एजुकेशन इसको बढ़िया से समझेंगे, शिक्षा भत्ता, शिक्षा भत्ता आपको हम बताने जा रहे हैं। शिक्षा भत्ता जो होता है कितना दिया जाता है, एक मैंने इंप्लाई को एग्जेम्प्ट कितना होता है इसको देखिए, यानी शिक्षा भत्ता जो है 100 रुपया, 100 रुपया पर चाइल्ड होता है एग्जेम्प्ट, एक बच्चा पर 100 रुपया है, और अधिक से अधिक दो बच्चे का होगा, अधिक से अधिक कितने का होगा, दो बच्चे को ही एग्जेम्प्ट हो सकते हैं, यदि 3 बच्चे हैं तो उन्हें नहीं होगी। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि यदि वो बच्चा पहली बार ही जुड़वा हो गया, पहली बार ही जुड़वा हो गया तो उस परिस्थिति में और दूसरे माने दो ही का मिलेगा, उसी दोनों को मिलेगा, ऐसा नहीं कि दूसरा बच्चा यदि बच्चा हुआ तो दो का मिलेगा, 3 का हो जाएगा या 4 का हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, उस दो ही को मिलेगा और उसी दोनों को एग्जेम्प्ट होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि पहला बच्चा जो हुआ 1 हुआ और दूसरा बच्चा दूसरा बार क्या हुआ, 2 हो गया, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, उस परिस्थिति में तीनों को दिया जाएगा, 3 का दिया जाएगा, तीनों जो होंगे उनको एग्जेम्प्ट किए जाएंगे, तो उस परिस्थिति में 3 होंगे और ऐसे 2 होंगे। आप लोग समझ गए होंगे इसको एग्जेम्प्ट के बारे में, यानी एजुकेशन अलाउंस कितना होगा आपको लिख देते हैं, पर चिल्ड्रेन ₹100 पर मंथ, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन दिया जाएगा। अब एजुकेशन अलाउंस के बाद यदि हॉस्टल में वो बच्चा रहता है तो हॉस्टल जो रहता है तो वहां भी मैंने वहां खर्च होते हैं, तो वहां भी हॉस्टल अलाउंस भी आपको एग्जेम्प्ट होते हैं, हॉस्टल अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस कितना होगा, पर चाइल्ड 300, जैसे यहां बताते पर चाइल्ड 100 रुपये था, यहां पर चाइल्ड कितना होगा,
चिल्ड्रेन होंगे ₹300 पर मंथ होंगे। और इसमें भी मैक्सिमम टू चिल्ड्रेन का ही होंगे, मैक्सिमम टू चिल्ड्रेन का। ये तो होटल आधे हो दे हॉस्टल अलाउंस भी हो गया। अब उसके बाद आप आगे गए हॉस्टल अलाउंस के बाद में और अलाउंस हम बताए थे, जिसमें हम बताए थे कि स्पेशल अलाउंस मिलता है। स्पेशल अलाउंस ऊपर थोड़ा हम सार स्पेशल है, इसके बाद हम बताए थे कौन पचमा छठा स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस टू इम्प्लॉय इम्प्लॉयज तो है ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, अब यहां देखिए अब कोई इम्प्लॉय है कोई इम्प्लॉय, अब यहां पर हम देखें कि उस इम्प्लॉय को जो कहीं कंपनी दूसरे जगह काम करते हैं और वो इम्प्लॉय जो ट्रांसपोर्ट में काम करता है उसको कितना एग्जेम्प्टेड होंगे, उसका एग्जेम्प्टेड होंगे जो आपको मिलता है उसका सद जो अलाउंस मिला अलाउंस का या देखेंगे अलाउंस का कितना 70% कितना होगा अलाउंस का 70% या कितना होगा मैंने 10,000 और ₹10,000 जो दोनों में कम होगा जो दोनों में लेस होगा कम होगा उसी का अलाउंस दिया जाएगा, यानी वो अलाउंस आपको एग्जेम्प्ट होंगे वही एग्जेम्प्ट होंगे। इसको भी आप समझेंगे वो इम्प्लॉय जो ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं उसके लिए हुआ। अब आइए आगे के ट्रेवल एरिया है एक और जान जाए थोड़ा सा। अभी बताया स्पेशल अलाउंस टू इम्प्लॉय टू ट्रांसपोर्ट एजेंसी का है। सेवन हम बताए ट्राइबल माने एरिया के ट्राइबल एरिया एजेंसी। ट्राइबल एरिया के एजेंसी क्या होगा एरिया एजेंसी एरिया अलाउंस ट्राइबल एरिया अलाउंस के बारे में बता रहे हैं। ट्राइबल एरिया अलाउंस में 200 रुपया यानी कितना एग्जेम्प्ट होते हैं 200 रुपया पर मंथ। तो अभी तो आप ही देख लिए कि हाउस रेंट अलाउंस को देख लिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस को देख लिए, अंडरग्राउंड अलाउंस को देख लिए, एजुकेशन अलाउंस को देख लिए, हॉस्टल अलाउंस को देख लिए, साथ ही साथ स्पेशल अलाउंस टू इम्प्लॉय टू ट्रांसपोर्ट एजेंसी को देख लिए, ट्राइबल एरिया माने अलाउंस को देख लिए कि कितना कितना एग्जेम्प्ट होते हैं। एक और एग्जेम्प्टमेंट अलाउंस एंटरटेनमेंट अलाउंस को समझेंगे, यानी मनोरंजन जो भत्ते होते हैं वो भी दिए जाते हैं। मनोरंजन भत्ता के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। इसमें क्या है मनोरंजन भत्ता में कि वो कर्मचारी सबसे पहले ये देखेंगे एंटरटेनमेंट अलाउंस में कि वो कर्मचारी जो है सरकारी है या गैर सरकारी है। यदि वह सरकारी है तो उसको क्या होगा एग्जेम्प्ट उसका एग्जेम्प्ट होगा वो उसको नहीं होगा उसको कर मुक्त होंगे उसका कर नहीं लगेगा। यदि वह कर्मचारी है मान नहीं है पहले देखिए गवर्नमेंट इंप्लाई होंगे उसको क्या होंगे एग्जेम्प्ट होंगे नॉट टैक्सेबल। आज यदि गवर्नमेंट इंप्लाई नॉन गवर्नमेंट इंप्लाई है तो नॉन गवर्नमेंट इंप्लाई है तो वो टैक्सेबल होंगे
नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टैक्सेबल होंगे, समझे। तो यहां हम इसको देखेंगे इंटरटेनमेंट में। इंटरटेनमेंट जो अलाउंस होता है, इसको थोड़ा सा बढ़िया समझने की चीज है, उसको क्या करते हैं कि अलाउंस में सबसे पहले जोड़ लेते हैं। अलाउंस को क्या करते हैं, ऐसे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तो नॉट टैक्सेबल है, है इसको तो जोड़ने के चाहिए, एग्जाम है तो कोई बातें नहीं है। यदि वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तब उस परिस्थिति में उसको क्या करेंगे, उसको टैक्स को जोड़ दिया जाता है, और जोड़ने के बाद में डिडक्शन में उसको पुनः घटा दिया जाता है। डिडक्शन में आकर के उसको घटाते हैं, उसका डिडक्शन में कितना घटाते हैं इसको हम डिडक्शन बताते समय बताएंगे कि कितना घटाया जाता है, उसको हम डिटेल्स करके हम बताएंगे वहां बताएंगे। लेकिन यहाँ इतना ही जानिए कि इंटरटेनमेंट अलाउंस जो होते हैं टैक्सेबल नहीं होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होते हैं, वो टैक्स लगाए जाते हैं। ये हुआ, अब ये तो आप समझ गए पार्शियली एग्जेम्प्टेड अलाउंस के बारे में, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे देखिए, हमने तीन अलाउंस बताया था, पहले हम फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस के बारे में बताए थे, फिर बताए कौन पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस के बारे में बताए, और तीसरा जो हम बताने जा रहे हैं आपको वो है फुली टैक्सेबल अलाउंस क्या है। तो इसके बाद हम बताते हैं फुली टैक्सेबल अलाउंस क्या है, इसको मिटा करके हम बताते हैं। अब यहां देखिए कि फुली टैक्सेबल अलाउंस में ए सब है, ए जो लिखे कौन सी है, डियरनेस अलाउंस है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस हुआ, रूरल अलाउंस हुआ, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस हुआ, मेडिकल अलाउंस हुआ, सर्वेंट अलाउंस हुआ, जो ये सब मिलता है, प्रोटेक्टर अलाउंस हुआ, वार्डनशिप अलाउंस हुआ, टिफिन अलाउंस हुआ, डॉग अलाउंस हुआ, और बहुत से हैं जिसको जो टैक्सेबल हैं, जिसको हमने नहीं दिया था कि फुल्ली एग्जेम्प्टेड और पार्टली एग्जेम्प्टेड में वो बाकी जो होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं, उसमें टैक्स लगते हैं। जो अलाउंस बाकी जो मिलेगा उसमें टैक्स लगेगा, जिसको हमने फुल्ली और पार्टली एग्जेम्प्टेड में नहीं रखा है वो होंगे अदर टैक्सेबल अलाउंस जो होते हैं, यानी और जो टैक्सेबल अलाउंस होंगे वो टैक्सेबल होंगे। आप तो यहां तक समझ गए होंगे अलाउंस में तीनों के तीनों समझ गए होंगे। अब तीनों जब अलाउंस में समझ गए तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, आज बताएंगे प्रेस्क्यूटीज। प्रेस्क्यूटीज यानी अनुलाभ। हमने उस दिन बताया था कि सैलरी को कैलकुलेशन करने के लिए वेतन यानी ग्रॉस सैलरी मालूम करने के लिए, माने हमको क्या करना होता है, ग्रॉस सैलरी मालूम करने के लिए हमको उस दिन हम परफॉर्मा बताए थे कि उसमें चार चीज मालूम करते हैं। क्या चीज हमने पहले बताया था कि सैलरी के बारे में, सैलरी में क्या क्या आते हैं, सैलरी में उसको सैलरी था, बोनस था, उसके बाद मैंने उसमें जो भी आते थे सैलरी के अंतर्गत में उसको था, उसको लिए थे, और उसके बाद अलाउंस लिए थे, अलाउंस के बारे में बता दिया। उसके बाद बताया थे तीसरा कि प्रेस्क्यूटीज, प्रेस्क्यूटीज के बारे में कि प्रेस्क्यूटीज भी सैलरी, मैंने ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए प्रेस्क्यूटीज होते हैं, यानी अनुलाभ उसको भी जोड़े जाते हैं, और साथ ही साथ एक चीज और जाते हैं प्रॉफिट इन लिव ऑफ सैलरी, यानी लाभ जो सैलरी के बदले में दी जाती है वो भी उसमें जोड़े जाते हैं ग्रॉस मैंने सैलरी मालूम करने के लिए। तो यहां हम दो चीजों को हम जान गए, सैलरी में क्या क्या आता है वो जान गए, और अलाउंस में क्या क्या आते हैं उसको जान गए। आज आइए हम प्रेस्क्यूटीज के बारे में जानें, आज हम प्रेस्क्यूटीज के बारे में हम समझेंगे। तो प्रेस्क्यूटीज में आपको हम बताएं कि सबसे पहले ये समझें कि आप सैलरी अलाउंस समझें, ये दोनों होते हैं। सैलरी जो होती है एक एम्प्लॉयर जो होते हैं यानी नियोक्ता होते हैं अपने एम्प्लॉय को नगद रूप में देते हैं, अलाउंस भी क्या होता है नगद रूप में ही दिया जाता है, ये दोनों होता है सो नगद रूप में दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी सुविधाएं हैं, ये दो सुविधाएं तो नगद रूप में एम्प्लॉय मैंने एम्प्लॉय को दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो नगद रूप में नहीं दी जाती है। वो कैसे दी जाती है, वो वस्तु के रूप में या सेवा के रूप में दी जाती है। तो जो वस्तु और सेवा के रूप में दी जाती है वो
हम क्या उसको हम कोच कहते हैं, वो भी अनुलाभ हुआ उसी को हम प्रेस्क्यूटिस कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि भत्ता क्या है, भत्ता किसको कहते हैं और अनुलाभ किसको कहते हैं, प्रेस्क्यूटिस किसको कहते हैं, जो नगद रूप में दिया जाता है, नगद रूप में वेतन के साथ जोड़ करके, सब तो वेतन में ही जोड़ा जाता है, लेकिन जो नगद में दिया जाता है, नगद में यानी कैश के रूप में, नगद रूप में दिया जाता है, वो क्या हुआ, वो भत्ता हुआ। जो नगद रूप में नहीं दिया गया यानी वस्तु या सेवा के रूप में दिया जाता है, उसको हम कौन से कहते हैं, उसको हम प्रेस्क्यूटिस कहेंगे। थोड़ा सा समझेंगे अच्छी तरह से, उसको हम प्रेस्क्यूटिस कहेंगे। अब यहां देखना है कि नगद या भत्ता के रूप में देते हैं, भत्ता के रूप में जो देते हैं वो तो मैंने कोई ऐसा नहीं है कि उसका मूल्यांकन नहीं होगा, उसको तो नगद नहीं देते हैं, उसको तो भत्ता के रूप में नहीं, भत्ता के तो उसका मूल्यांकन नगद होगा ही। जो हम अनुलाभ के रूप में देते हैं यानी प्रेस्क्यूटिस के रूप में देते हैं, वस्तु या सेवा के रूप में देते हैं, तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा, मूल्यांकन करेंगे। ऐसा नहीं कि उसका मूल्यांकन, इसलिए कि उसको हमको देखना है कि वो टैक्स लगेगा, टैक्सेबल होंगे या नॉन टैक्सेबल होंगे, तब इसके लिए हमको प्रेस्क्यूटिस को देखना है कि किसको हम दे रहे हैं, उसे हम किससे दे रहे हैं, इसको भी देखना होगा कि वो जो प्रेस्क्यूटिस किसको दी जा रही है। तो ये जो हम प्रेस्क्यूटिस के बारे में हम देखेंगे कि मैंने पढ़ेंगे आज नहीं, अगले दिन, ठीक है।